बरेली से खबर है। आरएसएस और बीजेपी नेताओं पर दर्ज रिपोर्ट खारिज हुई है। 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट की खारिज और दिल्ली लखनऊ से दबाव पड़ने के बाद में बरेली पुलिस हुई बैकफुट पर। संघ के मथुरा जिला प्रचारक को बनाया था बंधक और 8 पुलिसकर्मियों पर बेरहमी से पिटाई का था आरोप। जिला प्रचारक के एनकाउंटर की दी थी धमकी। नाराज संघ और बीजेपी नेताओं ने किया था घेराव। सुभाष नगर स्थित करगैना पुलिस चौकी का किया घेराव। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर संघ के मथुरा जिला प्रचारक को बनाया था बंधक की बड़ी खबर आपको बता दें, और 8 पुलिसकर्मियों पर बेरहमी से पिटाई का आरोप था। तो 8 पुलिसकर्मियों पर बेरहमी से पिटाई का आरोप था। जिला प्रचारक की एनकाउंटर की दी थी धमकी। जिला प्रचारक की एनकाउंटर की धमकी देने की बात सामने आई है। नाराज संघ और बीजेपी नेताओं का घेराव किया था। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बरेली से खबर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू, बरेली से फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट को खारिज किए जाने की बात कही गई है, क्या और जानकारी है आपके पास? देखिए गरिमा, ये 2 दिन पहले का मामला है। ये सुभाष नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला था, जहां पर मथुरा के आरएसएस के महानगर प्रचारक थे। वो अपनी मां के इलाज को देखने के लिए आए थे, और जिसके बाद वो लौटते वक्त उनके साथ करगैना पुलिस चौकी के दरोगा अंकित के साथ उनकी बहुत नोकझोंक हो गई थी। उसके बाद बरेली पुलिस पर कई आरोप लगे थे, और करीब 8 पुलिसकर्मियों पर उत्पीड़न और प्रताड़ना के और थर्ड डिग्री इस्तेमाल करने के उन पर आरोप लगे थे। लेकिन उसके बाद जब बरेली पुलिस ने जो घेराव किया था, लोगों ने जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने रोड जाम किया था। करीब ये पूरा देर रात तक 2.5 से 3 घंटे तक ये बवाल चला था, और इस बवाल के बाद बरेली पुलिस ने करीब 200 लोगों पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर दिया था। और हालांकि उसमें नाम शामिल कर दिया था कि बीजेपी नेता, पदाधिकारी और आरएसएस संघ के लोग थे शामिल। तो इसी को लेकर के देखते हुए बरेली एसएसपी ने थाना पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की थी। लेकिन जब बीजेपी नेताओं की बात करें, यहाँ पर सांसद संतोष गंगवार और धर्मेंद्र कश्यप की बात करें, तो सभी लोग मौके पर पहुंचे थे। और उन्होंने जब दिल्ली और लखनऊ से जब बरेली पुलिस के लिए फोन टनटनाए गए और फोन कॉल पर रिंग आती गई, तो लगातार बरेली एसएसपी पर दबाव बनता गया। अब एसएसपी ने उल्टा 8 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर दी है, डकैती और लूटपाट का मुकदमा उनपे दर्ज कर दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। फिलहाल अब जो 200 लोगों पर, अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज था, बरेली पुलिस 24 घंटे के अंदर दबाव में आकर के बैकफुट पे आ गई, और अब जितने भी जो कार्रवाई की थी वो सबको खारिज कर दिया गया है। पूरा जो मुकदमा था उसको एक्सपंज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक देखिए गरिमा, एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर को जीरो नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार की जो नेता हो या फिर विपक्ष के लोग हो, सब पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साफ तौर पर से बरेली में ये कार्रवाई से पता लग सकता है कि जो संघ का जो दबाव था और जो भारतीय जनता पार्टी का दबाव था वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। इस वजह से जो 200 लोगों का, अज्ञात लोगों का मुकदमा दर्ज हुआ था, बरेली पुलिस ने वापस ले लिया। वहीं पुलिसकर्मियों का अभी भी कार्रवाई प्रचलित है। गरिमा, बहुत शुक्रिया शानू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बरेली से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली लखनऊ से दबाव पड़ने के बाद में बरेली पुलिस बैकफुट पर आई है।